नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। महाविद्यालयों के छात्र संघ चुनाव संपन्न। बालाघाट के पीजी कॉलेज में दीक्षा हाथीमारे बने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बने प्रफुल्ल नागवंशी। माया लेल्हारे सचिव और अलका बिसेन बनी सह सचिव, दो पद एवीबीपी और दो पद एनएसयूआई के कब्जे में। बालाघाट के गर्ल्स कॉलेज और परसवाड़ा में चला एनएसयूआई का जादू, तो वारासिवनी और लालबर्रा में लहराया एबीवीपी का पर्चा। मंगलवार को मनाया जाएगा तुलसी ग्यारस पर्व। 14 वर्षीय छात्रा की जहर खाने से मौत। और शासन द्वारा संचालित व्यावसायिक शिक्षा जमीनी स्तर पर हो रही फेल। ग्रामीण अंचलों के उत्कृष्ट विद्यालयों में छात्रों के लिए अब तक स्थापित नहीं हो पाई आईटी लैब। प्रैक्टिकल की सुविधा से भी मोहताज हैं छात्र। और अब समाचार विस्तार से। करीब एक माह से चले आ रहे छात्र संघ गठन के चुनावी घमासान पर सोमवार को पदाधिकारियों के निर्वाचन के साथ ही विराम लग गया। जिले के तमाम कॉलेजों में चुनाव प्रक्रिया विधिवत संपन्न कराई गई। इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ कॉलेजों में छात्र संगठनों में तनातनी का माहौल रहा। इसके बावजूद चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। इस चुनावी प्रक्रिया में जहां निर्वाचन विभाग ने अपनी अहम भूमिका अदा की, वहीं पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के चलते पूरे हालात काबू में रहे। सोमवार को कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर तय समय सारणी के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण की गई। पहले जहां महाविद्यालय के कक्षा प्रतिनिधियों के चुनाव संपन्न कराए गए, वहीं निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधियों ने छात्र संघ के पदाधिकारियों का निर्वाचन कर अहम भूमिका अदा की। नगर मुख्यालय के अग्रणी कॉलेज शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज में सोमवार को चुनाव प्रक्रिया संपन्न की गई। सुबह से ही इन कॉलेजों में छात्र संगठनों का जमघट लगा रहा, जो देर शाम तक छात्र संघ पदाधिकारियों की घोषणा के बाद भी नहीं हटा। और निर्वाचित पदाधिकारियों के जीत के साथ इन कॉलेजों में उत्साह और उल्लास का माहौल दिखाई दिया। विजयी प्रत्याशियों के साथ जुलूस निकालकर जीत का जश्न मनाया गया। पीजी कॉलेज में संपन्न हुए इस चुनाव में एबीवीपी के सर जीत का सहरा बंधा, वहीं एनएसयूआई दूसरे मकाम पर रही। दोनों ही छात्र संगठनों ने दो दो पद प्राप्त किए। एबीवीपी की छात्रा दीक्षा हाथीमारे ने 29 वोट प्राप्त कर अध्यक्ष पद की कमान संभाली, तो वहीं एनएसयूआई के छात्र प्रफुल्ल नागवंशी ने 30 मत प्राप्त कर उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। इसी तरह एनएसयूआई की छात्र माया लेल्हारे ने 28 वोट प्राप्त कर सचिव का पद पर विराजमान हुई, तो वहीं एबीवीपी की छात्रा अलका बिसेन ने 26 मत प्राप्त कर सह सचिव के पद पर कब्जा किया। इसी तरह नगर के शासकीय कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज में चुनाव की प्रक्रिया विधिवत संपन्न कराई गई। चुनाव के नतीजों की बात करें तो इस छात्र संगठन चुनाव में एनएसयूआई का दबदबा रहा, जहां अध्यक्ष पद के लिए बीएससी की छात्रा आरती अमूले निर्विरोध विजय हुई। वहीं सचिव और सह सचिव के पद पर एनएसयूआई संगठन से जुड़ी श्रावणी सेवईवार और प्रीति नागेश्वर ने एबीवीपी के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देते हुए जीत का सहरा अपने नाम बांधा। वहीं प्रस्तावक न होने के कारण उपाध्यक्ष का पद खाली रहा। इस चुनाव को लेकर सुबह से ही एनएसयूआई और एबीवीपी के पदाधिकारी कॉलेज में डटे रहे। सुबह 8 बजे कक्षा प्रतिनिधि के 3 पदों के लिए चुनाव संपन्न कराए गए। इसके बाद 16 कक्षा प्रतिनिधियों ने अपने मतों का प्रयोग कर छात्र संघ के पदाधिकारियों का फैसला किया। देर शाम तक चुनाव के विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की गई। घोषणा होने के साथ ही एनएसयूआई खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और बैंड बाजों की धुन पर विजयी प्रत्याशियों का स्वागत किया गया। निर्वाचित अध्यक्ष आरती अमूले ने इस जीत पर क्या कहा, आइए जानते हैं। क्या करना चाहेंगे कॉलेज के लिए? मैं जीत किसी पर्सनल व्यक्ति की नहीं मानती हूँ, ये हमारे गर्ल्स कॉलेज का संगठन है कि यहाँ पर छात्राओं ने इतनी शांति से इस चुनाव को संपादित किया और ये एक नारी शक्ति को मतलब
सामने लाती है कि जैसे अन्य कॉलेजेस में हल्ला दंगा हो रहा है, वैसे हमारे कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं। सभी ने अपने स्वविवेक को आधार बनाकर इस चुनाव को संपन्न कराया, इसलिए इस कॉलेज की जो छात्रा है वो सबसे पहले इस बधाई की पात्र है कि उन्होंने अपने स्वविवेक को इतने अच्छे से लेते हुए बिना दंगा फसाद के इस निर्वाचन को इतने अच्छे से संपादित किया। और सबसे पहले प्राचार्य महोदय को धन्यवाद हर कार्य को संपादित करने। किस पद पर आप निर्वाचित हुए हैं? जी, मैं यहाँ पर शासकीय कन्या महाविद्यालय बालाघाट के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुई हूँ। अच्छा, इस कॉलेज के लिए और छात्रों के लिए क्या कदम उठाएंगे आगे चलकर आप? मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी काम हो वो अनुशासन में हो, और कोई भी काम ऐसा न हो जिसके लिए किसी को प्रताड़ित किया जाए या किसी को फोर्स में आके करवाया जाए। सभी काम छात्राओं के हित में हो जो उनके भविष्य के लिए अच्छा साबित हो। वहीं कॉलेज के प्राचार्य दिनेश मेश्राम ने आवश्यक जानकारी दी। हमारे यहाँ अध्यक्ष पद के लिए एक ही कैंडिडेट ने नामांकन भरा था। सचिव और सहसचिव के लिए दो दो कैंडिडेट थे, उसमें से सचिव पद के लिए शावनी शेवर चुनकर आई और सहसचिव के लिए कुमारी प्रीति नागेश्वर। अच्छा सर, इसमें उपाध्यक्ष का भी पद था, क्यों नहीं आया? वो ऐसा हुआ कि बच्ची ने जो फॉर्म भरी थी उसमें प्रस्तावक और समर्थक ये उसके बाहर के कक्षा से थे, यानी हमारे जो 16 कैंडिडेट थे उसमें से होना चाहिए था, तो उसने वो प्रस्ताव समर्थक दूसरी से अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा यानी अपनी कक्षा से की, लेकिन वो वैलिड नहीं था, इसलिए वो पद खाली गया। पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर सुबह से ही काफी चहल पहल देखी गई। कक्षावार चुनाव को लेकर विभिन्न छात्र संगठन एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। छात्र संघ के इस चुनाव में 12 कक्षावार प्रतिनिधियों को निर्विरोध पहले ही चुन लिया गया था, जबकि 18 कक्षावार प्रतिनिधियों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया गया। इन 30 कक्षावार प्रतिनिधियों को छोड़कर कुल 28 सीआर चुनने के लिए छात्र छात्राओं ने अपने मत अधिकार का उपयोग किया, जिसमें से 28 में से 2 कक्षा प्रतिनिधियों के नामांकन निरस्त कर दिए गए। इसी तरह सोमवार को कुल 56 सीआर के चयन के लिए छात्र छात्राओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। बाद में इन्हीं सीआर में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव पद के लिए 3-3 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। इसी बीच अनावश्यक रूप से कुछ छात्र प्रतिनिधि, प्रस्तावक व अन्य छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर के भीतर ही हंगामा मचाना शुरू कर दिया, जिसके चलते हंगामा मचा रहे छात्र छात्राओं को पुलिस की मदद से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसी प्रक्रिया के बीच दावे आपत्ति को लेकर कुछ छात्र व राजनीतिक संगठन कॉलेज परिसर के बाहर हंगामा मचाने लगे, जिन्हें कॉलेज प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने शांत कराया। सर, आपत्ति ये है लोगों को, ऐसा लग रहा है कि आप एक मिनट फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। आपका कोई एक विजयवार सर है कोई यहाँ पे, वो इनका एजेंट बन के काम कर रहा है। आप लोग आंख मूंद के बैठे हुए हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो। सर देखो, मैं बहुत साल बाद कॉलेज आया हूँ और आप सर ये समझ लो कि ये अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी मर्यादा में रह रहा हूँ, लेकिन ये सर जो हो रहा है, आप ये दो नाम है सर, सुनिए सर, मत दीजिए धन्यवाद। ये दो नाम जो है आप इसको ठीक कर पाए। सर नियम क्या है? उसको चेंज हुआ है किसको? लेकिन यहाँ जो सर मेरी बात है, आपने प्रकाशित करे सूची, बच्चे अपना प्रचार कर रहे हैं, वो प्रचार करने को उन्हीं बच्चों से मिलेंगे जो आपने प्रकाशित किया। जब आप मान लीजिए 3 साल तक है, ये 3 सेमेस्टर के नंबर लेने, जिन जगहों ना विश्वविद्यालय में ना कॉलेज में कहीं ऐसा कोई एग्जाम मार्क्स नहीं है कि हम उनके तीनों के जोड़े, हमने उनको रजिस्टर से मार्क्स। सर लेकिन ये जो लिस्ट आपने प्रकाशित करी तो वो कुछ ना कुछ तो सोच के करी होगी, जोड़ के किए ना, तो वही तो हम बोल रहे हैं आपने जोड़ के करे। उसमें त्रुटि हुई है तो दावा आपत्ति में सुधार होएगा। अच्छा, ये एक बार अचानक आ गई, ये नियम है क्या सर आपका, क्या कि दावा आपत्ति में सुधार किया जा सकता है लिस्ट प्रकाशित होने के बाद? अच्छा सर, सीआर बाहर नहीं आने का कहां लिखा हुआ है? सीआर बाहर नहीं आने का आपने फिर लगाई क्यों नहीं? सीआर बाहर नहीं आने का कहां लिखा है? सीआर बाहर नहीं आने का। अच्छा, पहले एक एक करके काम लेते हैं। दावा आपत्ति के बाद जैसे अभी चुनाव चल रहा है जी, समर्थक पे या उस पे कोई दावा आपत्ति आएगी? अभी भी चेंज हो सकता है, पाई होगी तो ये इलेक्शन पीरियड में।
प्रक्रिया संपन्न होते ही कॉलेज प्रशासन द्वारा निर्वाचित सदस्यों व पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की गई। साथ ही सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को अनुशासन की शपथ दिलाई गई। चुनाव के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान एबीवीपी छात्र संगठन अध्यक्ष दीक्षा हाथीमारे ने एनएसयूआई से गठबंधन होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। मेरा नाम दीक्षा हाथीमारे है। मैं अध्यक्ष पद के लिए विजय घोषित हुई हूँ। इसके लिए मैं पहले अपनी फैमिली एंड दोस्तों एंड यूनिट को पूरी को मैं सपोर्ट करती हूँ और उनने मुझे विजय करा है, इसके लिए मैं उनको सबसे पहले बताएंगे किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? एबीपी के संगठन से। किस संगठन से? विद्यार्थी परिषद। अच्छा, ये बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं जीतने के बाद और क्या आपके पास करेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अध्यक्ष पद के लिए विजय घोषित किया गया है और मेरा यही रहेगा कि जो भी मैं काम करूँ वो विद्यार्थी परिषद के लिए करूँ, उनके हित में ही काम करना चाहती हूँ। अभी एनएसयूआई और गठबंधन एनएसयूआई के साथ गठबंधन की बात सामने आ रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हमने कोई गठबंधन नहीं किया। वहीं एनएसयूआई के नव निर्वाचित उपाध्यक्ष प्रफुल्ल नागवंशी ने गठबंधन वाली बात को महज एक अफवाह बताया। विद्यालय का उपाध्यक्ष पद का दावेदार था और अब जीत चुका हूँ उस पद। नागवंशी जी, एक चीज बताएंगे कि यहाँ पर आप लोगों ने एबीपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा? नहीं, ये सब गलत है, सरासर गलत। आपकी जो एनएसयूआई की अध्यक्ष पद की जो दावेदार है उसने कैमरे में स्वीकार किया कि हमने एबीयू के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ा गया। सबसे पहले यहाँ पर जितने सीआर के कैंडिडेट थे उनके द्वारा हमें निर्वाचित किया गया। इस पूरे मामले में की गई चर्चा के दौरान छात्र वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक इंद्रजीत भोज ने एबीवीपी और एनएसयूआई पर गठबंधन का आरोप लगाते हुए शब्दों के कई बाण चलाए। साथ ही उन्होंने एबीवीपी की प्रत्याशी सुरभि जैन पर आपराधिक मामला दर्ज होने की बात करते हुए छात्र संघ चुनाव को निरस्त किए जाने की मांग की। एक करारा तमाचा मारा है, एक जोरदार प्रहार किया है छात्र वाहिनी और छात्र शक्ति ने एनएसयूआई और एबीवीपी पर। मजबूर होगा ये गठबंधन करने के लिए, राष्ट्रीय दल होते हैं उनके छात्र आपस में गठबंधन करके कॉलेज की छात्र शक्ति को, कॉलेज के छात्र छात्राओं को, तो वहाँ के पल्लवित होने वाले युवा नेता उनको हराने का काम किए हैं। शर्मनाक स्तर की बात है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को गाली बकते हैं, लेकिन बालाघाट जिले के महाविद्यालय चुनाव में, महाविद्यालय चुनाव में छात्र वाहिनी को हराने के लिए, छात्र शक्ति को हराने के लिए एनएसयूआई और एबीवीपी ने गठबंधन किया। शर्मनाक है, कतई बर्दाश्त नहीं करेगी बालाघाट जिले की युवा शक्ति, अगली बार पुनः हराएंगे हमको। एक लड़की है सुरभि जैन, एबीवीपी की प्रत्याशी है सुरभि जैन, जिसके ऊपर 498 का मामला पंजीबद्ध है। बालाघाट कोतवाली के रोज नाम से उसकी इतनी बड़ी फोटो छपी है, वो लड़की दिन भर कॉलेज में कैसे रही,
पूरी छात्र छात्राओं को बरगलाते रही वह, उसका चुनाव निरस्त होना चाहिए और उसके आधार पर ही महाविद्यालय छात्र संघ का चुनाव निरस्त किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। छात्र शक्ति। चुनाव की घोषणा के बाद एबीवीपी और एनएसयूआई ने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया। वहीं इस चुनाव में हारने के बावजूद भी छात्रवाहिनी के सदस्य ढोल नगाड़ों पर थिरकते नजर आए। पूछे जाने पर छात्रवाहिनी की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी प्रिया देवी पराते और अन्य सदस्यों ने इस चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई पर डर के मारे गठबंधन करने का आरोप लगाया। निर्वाचित थी, हमारे जो चुनाव है उसमें दो पावरफुल शक्ति का संगठन होकर इन लोगों ने एकजुट होकर हमको हराया है। ये लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। हम लोगों ने 23 सीट जीते हैं, बताओ। मैंने 23 सीट जीती हूँ, 54 में से 23 सीट छात्र संघ की है। और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को हरा कर क्या साबित करना चाहते हैं इन लोग? तो पार्टी इतनी बड़ी पार्टी इन लोगों की, उसके बावजूद भी छात्र संघ के लिए इतनी गंदी हरकतें करे वहाँ पर जाके एकजुट होकर, जबकि हम लोगों का साथ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हम लोग चाहेंगे अब नेक्स्ट बार छात्र शक्ति ही आगे जाएगी कॉलेज में। एक तरफ से हमें बहुत जीत अच्छी जीत हासिल हुई है और हम छात्रों को हराने के लिए दो राष्ट्रीय पार्टी गठबंधन की है, ये बहुत शर्मनाक बात है। वहीं शिवसेना के जिला प्रमुख डॉली दमाहे ने एबीवीपी और एनएसयूआई की इस जीत को कांग्रेस और भाजपा की शर्मनाक जीत बताया। साथ ही उन्होंने सीआर के लिए चुनी गई सुरभि जैन पर आपराधिक मामला दर्ज होने की बात कहते हुए मामले की जांच कराए जाने की मांग की। साथ ही मांग पूरी ना होने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी। और भाजपा कांग्रेस के लिए बहुत चिंता का विषय कि एक कॉलेज में छात्र संघ एक छात्र शक्ति के कारण आज जो कट्टर दुश्मन थे आज वो लोग एक हो गए और लोग यहाँ वहाँ लोग दूसरे की बुराई करते हैं, ऊपर में राष्ट्रीय तरफ बुराई करते हैं लोग कि कांग्रेस ऐसी है, बीजेपी ऐसी है। और आज बालाघाट के जब कॉलेज के चुनाव में दोनों जो एक हुए, इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। तो इन लोग को आज जनता के सामने, पब्लिक के सामने इनका असली चेहरा उजागर हो गया, लोगों का मालूम हो गया कि लोग कहते पूछा और करते पूछा, मुंह में आराम बगल में छुरी वाला काम कर रहे हैं। इनसे सब लोग वाकिफ हो गए। ये छोटे चुनाव में यहाँ की सरकार के लिए, मंत्री के लिए, विधायक के लिए, सांसद के लिए, हर किसी की शर्मनाक बात है। इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि ऊपर के ऊपर वाले इनसे पूछेंगे यार नीचे स्तर तुम गठबंधन कैसा कर रहे हो, ये जवाब क्या देंगे? इनके पास जवाब नहीं है। इनको आज से आज जो चुनाव। इस पूरे माहौल के बीच एबीवीपी द्वारा कॉलेज परिसर से एक जुलूस निकाला गया जिसमें एबीवीपी और भाजपा के कई पदाधिकारी ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आए। इसी दौरान एबीवीपी नेता संजू ब्रह्मे ने एनएसयूआई के गठबंधन होने की बात नकारते हुए कॉलेज प्रशासन पर जबरदस्ती परेशान करने का आरोप लगाया। और इस तरह से हमारे विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता और हमारे मौसम दीदी गुड्डू भैया और सभी से छात्रों का बहुत सहयोग रहा। हाँ, हमारे साथ में कॉलेज प्रशासन ने बहुत अनियमितताएँ बरताए, हमें बहुत परेशान किया है, फिर भी अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। उसी तरह से हमने पूरी सत्यता से हम लोगों ने चुनाव लड़ा और हम लोगों ने 2 पद जीता कर पाया, इसके हम बहुत बहुत सभी छात्र छात्र। मैं ये एक चीज़ बताएंगे कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी थी, एनएसयूआई का जो प्रत्याशी थी, उसने कबूला है कि हमारा गठबंधन हुआ है एबीयूपी से? सर ऐसा आरोप है, हमारा किसी प्रकार का किसी से कोई गठबंधन नहीं।
वहीं भाजपा युवा नेत्री मौसम हरनखेड़े ने छात्र संघ चुनाव में मिली इस जीत को आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव की जीत बताते हुए एनएसयूआई के गठबंधन होने की बात को अस्वीकार किया। पूरे प्रदेश में एक तरफा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो राष्ट्रवादी विचार से प्रेरित छात्रों का संगठन है उसकी जीत है। मुझे प्रसन्नता है कि बालाघाट में भी कड़े मुकाबले के बाद एबीवीपी की एक सफलतम जीत अध्यक्ष और सचिव के पद पर हुई है। मैं अपनी ओर से पूरे छात्र संगठन के लोगों को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को और सभी लोगों को जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग दिया उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं जताता हूं। दीदी एक अफवाह जैसे फैल रही है कि बोले एबीवीपी के, देखिए चुनाव में साम दंड भेद अपनाए जाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किसी प्रकार का किसी अन्य छात्र संगठन से गठबंधन नहीं किया। अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो वो भी छात्र कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित थे, इसलिए उनका भी इसी बीच एनएसयूआई ने भी चुनाव में मिली इस जीत पर एक जुलूस निकाला, जहां एनएसयूआई के छात्र छात्रा ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस करते नजर आए। इसी बीच एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष दयाल वासनिक ने बताया कि एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों अलग अलग छात्र संगठन हैं, दोनों की विचारधारा अलग है और दोनों ही संगठन एक दूसरे के विरोधी संगठन हैं, जिसके चलते इन दोनों संगठनों में कोई भी गठबंधन नहीं हुआ है। कड़ी तरीके से संघर्ष के तरीके से मेहनत को हासिल किया। क्या बात है कि एनएसयूआई जो है यहाँ जो मुख्य विद्यालय है अपना पीजी कॉलेज में नहीं आ पाई अध्यक्ष? इसका कारण यह है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के द्वारा प्रशासन पर जोर देकर प्रयास किया जा रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो पार्टी तीसरे नंबर में थी वो अचानक पहले नंबर पर आ गई। इसका नतीजा और इसके साथ साथ हमको ये आशा होता है कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के द्वारा जो दूसरी एक और संगठन थे दोनों की साठगांठ के द्वारा एनएसयूआई को दबाने के लिए ये प्रयास किया गया, जिसका नतीजा हुआ कि आज एनएसयूआई और एबीवीपी पे आरोप लग रहा है कि इन दोनों का गठबंधन था, क्या कहेंगे? ये हार से बौखलाए हुए कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रियों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये सोचा जा रहा है कि एबीवीपी और एनएसयूआई का गठबंधन है, सरासर निराधार है क्योंकि एनएसयूआई और एबीवीपी की विचारधारा अलग अलग है और दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी है, तो कहीं ना कहीं ये एनएसयूआई और छात्रों की जीत है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर की गई चर्चा के दौरान कॉलेज प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की बात कही। साथ ही सुरभि जैन वाले मामले में 7 दिनों के भीतर जांच कराए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि उक्त सीआर जांच में दोषी पाई जाती है तो उस पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। सर पूरी चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो किस प्रकार की आज की व्यवस्था रही और किस प्रकार से चुनाव? आज मैं सबसे पहले मैं अपने महाविद्यालय के समस्त सहयोगियों को, फिर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और बराबरी रूप से जो आप लोग सभी मेरे साथी सहयोगी हैं सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हर परिस्थितियों में आप लोगों ने हमारा सहयोग किया और इसकी जो निष्पक्षता है ये प्रमाणित है हर जगह अपनी जगह पर है, मैं आपको सभी को पुनः धन्यवाद। सर कुछ एक छात्रों का ऐसा आरोप भी लगा रहे थे कि मंत्री के इशारे पे चुनाव हुआ, क्या मानते हैं इस बात को? नहीं आरोप आज एक आप बात कर रहे हैं, इसके पहले लगभग हम 5-6 दिन से इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के आरोप मिल रहे हैं, पर ये हमारा कर्तव्य है कि जो हमको वहाँ से गाइडलाइन भोपाल से मिली है उसका अक्षरशः पालन किया जाए। हो सकता है कुछ लोग उससे नाखुश हों पर जब उसको समझेंगे उस बात को और देखेंगे तो उन्हें ये बात समझ में आएगी कि कोई ऐसा कुछ नहीं। सर कुछ खास पार्टी के लोग आए हुए थे, हंगामा कर रहे थे, क्या था मामला? हाँ वो एक नामांकन कर मेरिट लिस्ट पे जी, कल जो सूची उन लोगों ने हमसे ली थी उन्होंने इस आश्वासन के साथ ली थी कि उसमें जो भी परिवर्तन होगा उनको मान्य होगा। एक्चुअल में तो वो आज उनको लिया जाना चाहिए पर उन्होंने कहा कि ठीक है एक आध अंतर होगा तो हम सूची में, तो मेरिट के आधार पर एक दावा आपत्ति चूँकि समय था तो आपत्ति प्राप्त हुई थी उसके अनुसार हमने उसमें संशोधन किया। जैन कोई लड़की है जिसका पनियर दर्ज है थाना कोतवाली में और उसका यहाँ पर नामांकन हुआ था और सी आर के लिए कैंडिडेट, क्या कुछ कार्रवाई की गई है उसके ऊपर? सी आर के लिए कैंडिडेट वो मनोनयन में आई, मतलब यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ उसका, तो आज जो 1 बजे तक मेरिट लिस्ट बनी उसके आधार पर 1 बजे तक मनोनयन।
उसके बाद जब चुनाव चल रहा था 2:30 बजे आपने कुछ समय FIR संबंधी जानकारी मिली तो हम लोगों ने उसकी जांच की है, उसका हम लोगों ने सर्टिफाइड कॉपी मान लिया है और यदि वो साथ प्रमाणित होता है तो नियमानुसार कार्रवाई। लालबर्रा के स्नातक महाविद्यालय में मंगलवार को छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई। यहां पूजा भंडारकर अध्यक्ष, विद्या ठाकरे उपाध्यक्ष और सचिव पद पर सुमित गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित हुए। इन विजयी पदाधिकारियों ने एक जुलूस निकालकर नगर भ्रमण भी किया। इसके बाद शाम 5 बजे तहसीलदार की उपस्थिति में प्रभारी प्राचार्य द्वारा छात्र संघ पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। छात्र संघ के तीनों पदाधिकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थक बताए गए हैं। परसवाड़ा के महाविद्यालय में भी छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए। यहां NSUI का दबदबा देखा गया। यहां अध्यक्ष पद पर ज्योति बाला तिलगाम सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनी गई। वहीं उपाध्यक्ष पद पर राजेश मर्सकोले, सचिव श्वेता बिसेन और सह सचिव दिव्या भारती बोपचे बताई गई। यहां विधायक मधु भगत की उपस्थिति में विजयी जुलूस निकाला गया। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम रानी कुठार में एक 19 वर्षीय छात्रा मौसम बागड़े की जहरीली दवा के सेवन से मौत हो गई। यह बालिका 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह 4 अक्टूबर को घर में बिना बताए कहीं चली गई और 20 अक्टूबर को वापस भी आ गई। इस छात्रा को बहला फुसला कर हैदराबाद ले जाने वाले युवक सुदेश सहारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह लड़की गुमसुम रहती थी। 29 अक्टूबर को इस छात्रा ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। क्या नाम आपका? मुन्ना लाल बागड़े। कहाँ रहते हैं? रानी कोले। लालबर्रा? हाँ। अच्छा, ये कौन है मृति का आपकी लड़की? क्या नाम है इसका? मौसम बागड़े। कितने साल की है? 14 साल। पता नहीं है इसका। तो कब पता चला कि आपको इसकी तबीयत खराब थी? क्या है, धान काटने गए खेत। कब? कल। हाँ। दिन में 3 बजे घर आई। हाँ। हम 5 बजे आए और नहाए धोए, टीवी देख रही थी कुर्सी पे बैठ करके। इतने में नहा के आए तो खाट पे सो गई और चढ़ते चढ़ते पसीना निकलने लगी। हमने कहा कैसा तबीयत खराब। वाराणसी में भी 30 अक्टूबर को छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। यहां 3 पदों पर ABVP का और 1 पद पर NSUI का कब्जा रहा। चुनाव में अध्यक्ष पद पर ABVP की सुर्तिका सिरसाम विजयी हुई। वहीं उपाध्यक्ष पद पर ABVP के विक्की लिल्हारे और सचिव पद पर ABVP के ही दीपक रनायत ने जीत दर्ज की। वहीं सह सचिव पद पर NSUI की सुषमा बिसेन निर्विरोध निर्वाचित हुई। इस पद पर ABVP के उम्मीदवार का नामांकन त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उसका नामांकन निरस्त कर दिया गया। चुनाव के दौरान काफी विवाद और नारेबाजी भी देखी गई, लेकिन पुलिस की मुश्तैदी के चलते स्थिति नियंत्रण में रही। चुनाव के बाद प्रभारी प्राचार्य द्वारा छात्र संघ पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना पूरा टीम लड़ाया कॉलेज के अंदर, और ये जो 3 पद आए वो 4 पद हमारे पास आते, लेकिन जो हमारी एक बिटिया थी उसने वास्तविक उसने CR से समर्थन अपना और प्रस्तावक नहीं कराया। हमारे पास 9 प्रत्याशी थे, 1 CR जो है 2 लोगों के प्रस्तावक और समर्थक बन सकते थे, लेकिन उसने गलती से
जो सीआर नहीं था उसको प्रस्तावक समर्थक बनाया, इसलिए उसका फार्म कैंसल हो गया, उसका नुकसान हमको उठाना पड़ा। और हमको इसका बहुत दुख है इस बात का कि वो बेटी हमारी जो है वो सह सचिव का पद नहीं जीत पाई, लेकिन आगे भी भविष्य उसके लिए सुनहरा है। अगले बार जब अवसर मिलेगा हम अपनी उस बिटिया को निश्चित रूप से कॉलेज में प्रतिनिधि के रूप में जितवाने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा मैं आश्वासन दे। क्या नाम है आपका? श्रुति का शिक्षा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं विजयी हुई, मुझे खुशी हो रही है। और आपके लिए ना, और अध्यक्ष बनकर बन गए हैं आप, तो अब अपने पहली प्राथमिकता क्या देंगे आप? छात्रों की समस्याओं को सुलझाना। आपको उम्मीद थी क्या? आपको उम्मीद थी? हाँ, मुझे उम्मीद थी। खैरलांजी, तिरोड़ी, वारासिवनी, इन जगहों पे पूर्ण रूप से हम विजय हुए हैं। विशेष तौर पे वारासिवनी की जीत ज़्यादा महत्व रखती है क्योंकि ये ज़्यादा टक्कर का चुनाव था, ज़्यादा कश्मकश का चुनाव था, लेकिन हमारे छात्रों की अच्छी जीत और हमारे एबीवीपी की अच्छी पहचान की वजह से हमें कुछ सहयोगी दलों का फ़ायदा मिला है। चुनाव संपन्न करवाया गया तो उसमें कितने नामांकन है पदाधिकारी? नामांकन तो 8 आए थे, जिसमें एक अवैध घोषित हो गया और एक निर्विरोध रहा, और इस तरह से 3 पदों पर निर्वाचन हुए, 6 लोगों ने इसमें भाग लिया। 6 लोगों ने? हाँ। क्या क्या नाम है? जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं जिसमें अध्यक्ष हैं श्रुतिका सिरसा, अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुई हैं, उपाध्यक्ष विक्की लिल्हारे ये निर्वाचित हुए हैं, सचिव दीपक रिनायत ये भी निर्वाचित हुए हैं, और सह सचिव सुषमा बिसेन ये हुए हैं निर्विरोध। बिना चुनाव के दौरान कोई अव्यवस्थाएं नहीं हुई, सब शांतिपूर्वक बहुत अच्छे तरीके से हुआ, पुलिस प्रशासन का सहयोग मिला, उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया, और थोड़ी बहुत तो मतलब आपत्तियाँ आई थी लेकिन उनका निराकरण कर लिया गया, पूरे महाविद्यालय प्रशासन ने उसमें सहयोग दिया और सबके सहयोग से उन समस्याओं का निराकरण हमने निकाला, और इस तरह से शांतिपूर्ण माहौल। तुलसी एकादशी का पर्व मंगलवार को भक्ति भाव से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस पर्व को तुलसी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं। तुलसी ग्यारस पर श्रद्धालु व्रत रखते हैं और शाम को सभी हिंदू धर्मावलंबियों के घरों के आंगन में गन्ने का मंडप सजाकर तुलसी जी की विशेष पूजा की जाती है, और पूजा के बाद तुलसी जी का सालिग्राम भगवान से विवाह भी रचाया जाता है। तुलसी ग्यारस को ही हिंदू धर्मावलंबियों के चातुर्मास के व्रत का समापन हो जाता है और विवाह आदि मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तुलसी ग्यारस पर्व के मद्देनजर सोमवार को बाजार में गन्ना की काफी दुकानें लगी रहीं। लोग तुलसी जी के विवाह का मंडप सजाने गन्ने की खरीदारी करते रहे। स्कूली छात्र छात्राओं को रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा जिले के तमाम उत्कृष्ट विद्यालयों में 2 वर्ष पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू कर अभिनव पहल की गई थी, जिनमें 2 पाठ्यक्रमों आईटी और इलेक्ट्रिक ट्रेड में छात्रों का रुझान सबसे ज्यादा रहा। लेकिन सुविधाओं की बात करें तो इन अधिकांश उत्कृष्ट विद्यालयों में इन छात्रों के लिए अब तक ना तो आईटी लैब स्थापित की जा सकी है और ना ही इलेक्ट्रिकल ट्रेड के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल की कोई सुविधा मुहैया कराई गई है। वहीं इस ओर अब तक जिला शिक्षा अधिकारी विभाग ने ध्यान नहीं दिया है। हालांकि जिला मुख्यालय में स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में स्कूल के प्राचार्य आर के लटारे की जागरूकता के चलते छात्रों को आईटी लैब की व्यवस्था मिल पाई है। इस संबंध में जब जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले से चर्चा की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। गाँव की बात करें तो ग्रामीण अंचलों में जो एक्सीलेंस स्कूल है वहाँ पर कंप्यूटर से लेकर और कोई व्यवस्था नहीं है, और उसके लिए कोई राशि भी जारी नहीं है, इसके लिए क्या प्रयास किया जा सकता है? इसके लिए शासन को पत्र हम लिखेंगे और प्रिंसिपल्स डिमांड हमको देंगे कि उनके यहाँ इतने इतने कंप्यूटर्स की या उसकी लैब की आवश्यकता है, तो शासन की ओर पत्र भेजेंगे, शासन इसके ऊपर निर्णय करेगी, और धीरे धीरे इस वोकेशनल शिक्षा को
मजबूत बनाने के लिए और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ओकेशनल शिक्षा प्राप्त कर सके, इसलिए शासन की तरफ से ये पहला प्रयास था और इसमें मजबूती आएगी। शासन के द्वारा ये सब प्रोवाइड की जाएंगी, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह जो भी उसमें आवश्यक जो भी सामग्री कक्ष वगैरह लगा वो सब उद्देश्य क्या था की जाएगी। इसका उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हमारे 12th पढ़ के निकल जाते हैं और निकलने के बाद में वो सब चाहते हैं कि उनको शासकीय नौकरी मिल जाए, लेकिन 12th पढ़ने के बाद में शासकीय नौकरी मिलना मुश्किल है। तो शासन के मंशा इसके पीछे ये है कि बच्चे जब पढ़ के निकलें तो कुछ ना कुछ ऐसे पारंगत होकर निकलें किन्हीं विषयों में, जिससे कि वो बाहर फील्ड में जाए तो वो अपनी स्वावलंबी खुद बन सके, अपने स्वयं का रोजगार चला सके। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन मुलना स्टेडियम में किया गया है। स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि राष्ट्रीय संकल्प दिवस पर इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। यह दौड़ मंगलवार को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मुलना स्टेडियम से शुरू होकर यह दौड़ विश्वेश्वरैया चौक, रानी दुर्गावती चौक होते हुए जय स्तंभ पहुंचेगी और वहां से अंबेडकर चौक होते हुए वापस मुलना स्टेडियम में संपन्न होगी। दौड़ की समाप्ति के बाद सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी। शासकीय अध्यापक संघ की एक बैठक रविवार की शाम आयोजित की गई। संघ के जिलाध्यक्ष रितेश गेडाम की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में अध्यापकों के सभी संगठनों की एकता पर चर्चा की गई। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई कि यदि मध्य प्रदेश की सरकार अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं करती है तो सभी अध्यापक नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के समक्ष अपनी मांग रखेंगे। नितेश गेडाम, जिला अध्यक्ष शासकीय अध्यापक संगठन बनाना। आज बैठक रखी गई थी, किस संबंध में थी बैठक? बैठक हमारा क्रांति कार्यक्रम था आज, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संगठन की ओर से बैठकों का आयोजन किया गया, जिला स्तरीय बैठकों का, और उसमें आने वाले अध्यापक के संघर्ष के बारे में अपने अपने विचार यहाँ पर रखे गए कि मध्य प्रदेश में अध्यापक संवर्ग का संघर्ष किस तरीके से होगा। और इसमें दूसरा मुख्य बिंदु था कि मध्य प्रदेश में विभिन्न संगठन कार्यरत हैं, उनके बीच में संघीय एकता स्थापित करना और किसी भी संघर्ष को सब लोग साथ में मिल करके पूरा करना। इसके साथ में हमारे यहाँ पर स्थानीय तौर पर चर्चा की गई है और एक बात हमारे समझ में आई है कि मध्य प्रदेश सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है और वो हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। बालाघाट जिला स्थानीय स्तर पर एक मांग सर्वसम्मति से उभर के सामने आई है कि क्यों न हम नागपुर जा कर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुख्यालय जो है आरएसएस का, हम उसके सामने जा कर के एक दिन का प्रदर्शन बालाघाट जिले की ओर से करेंगे और हम यह उम्मीद करेंगे कि यह आग धीरे धीरे मध्य प्रदेश में फैले और पूरा मध्य प्रदेश का अध्यापक एकजुट होकर के नागपुर मुख्यालय के सामने अपना प्रदर्शन करे और आदरणीय मोहन भागवत जी के सामने अपनी पीड़ा को रख सके कि आप देखिए यहाँ पर हस्तक्षेप कीजिए कि मध्य प्रदेश के अध्यापकों के साथ में शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो है वह न्याय नहीं दिला पा रही है, इसलिए हम आपसे वहाँ पर न्याय की दुहार। किरनापुर में भी महाविद्यालयीन चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए गए, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दबदबा रहा, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष प्रिया बुराड़े, उपाध्यक्ष आरती बिसेन, सचिव प्रीति तुरकर और सह सचिव के पद पर संत कुमार बेंद्रे निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके पहले कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न कराई गई। लालबर्रा के पवार मंगल भवन में गढ़कालिका पवार महिला मंडल के तत्वाधान में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन सहित पवार समाज की महिला की प्रमुख उपस्थिति में यह समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान रंगोली, पुष्प सज्जा, मेहंदी और दिया प्रतियोगिता हुई, साथ ही बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। दीपावली मिलन समारोह के दौरान ही 75 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। दिवाली मिलन का, इसमें हम लोगों ने सभी सिख आस
आसपास के समाज वालों को बुलाया और इसमें बहुत से कार्यक्रम रखे, रंगोली प्रतियोगिता, फूल सज्जा, डॉक्टरों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा, महिलाओं के लिए खेल थे कुछ। कौन कौन से खेल करवाए? जी जी वो खेले गए, अभी कार्यक्रम चालू ही है। और कौन से महिला मंडल का कार्यक्रम था? ये हमारे गढ़ काली का महिला मंडल का हम लोगों ने अभी 10 जनवरी से शुरू किया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाविद्यालयों के छात्र संघ चुनाव संपन्न, बालाघाट के पीजी कॉलेज में दीक्षा हाथीमारे बने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बने प्रफुल्ल नागवंशी, माया लेल्हारे सचिव और अलका बिसेन बनी सह सचिव, दो पद एबीवीपी और दो पद एनएसयूआई के कब्जे में। बालाघाट के गर्ल्स कॉलेज और परसवाड़ा में चला एनएसयूआई का जादू तो वारासिवनी और लालबर्रा में लहराया एबीवीपी का पर्चा। मंगलवार को मनाया जाएगा तुलसी ग्यारस पर्व। 14 वर्षीय छात्रा की जहर खाने से मौत और शासन द्वारा संचालित व्यावसायिक शिक्षा जमीनी स्तर पर हो रही फेल। ग्रामीण अंचलों के उत्कृष्ट विद्यालयों में छात्रों के लिए अब तक स्थापित नहीं हो पाई आईटी लैब। प्रैक्टिकल की सुविधा से भी मोहताज है छात्र। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही, अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।